बिग बॉस सीजन 14 में हर उस कंटेस्टेंट को वापस लाया गया है जिसने ना सिर्फ दर्शकों को एंटरटेन किया बल्कि जिनके खेलने के अंदाज ने भी सभी को इम्प्रेस किया है। ऐसे ही एक कंटेस्टेंट है राहुल वैद्य। कहने को राहुल वैद्य शो को बीच में छोड़कर ही चले गए थे, लेकिन अब सिंगर की धमाकेदार वापसी हो गई है। घर में दोबारा एंट्री लेते ही राहुल सभी पर भारी पड़ते दिख रहे हैं। गुरुवार के एपिसोड में उनकी इजाज खान संग हुई तूतू मैमै तो सोशल मीडिया पर वायरल हो गई है। उस एक झगड़े ने फिर राहुल के सभी फैंस को एकजुट कर दिया है। सभी अपने फेवरेट कंटेस्टेंट की तारीफ करते थक नहीं रहे हैं। राहुल वैद्य तो जैसे सभी के दिलों पर छाए हुए हैं और सभी उनकी तारीफें करते नहीं थक रहे। राहुल वैद्य के फैंस उन्हें इजाज संग फिरते हुए देखना चाहते हैं। कुछ फैंस तो ऐसे भी सामने आए हैं जो राहुल की हर बात को काफी ध्यान से सुन रहे हैं। वो सोशल मीडिया पर राहुल के हर मजाक को ट्रेंड करवा रहे हैं। सस्ता वकील से लेकर नल्ला अभिनव तक सब कुछ हंसने पर मजबूर कर रहा है। मालूम हो कि राहुल वैद्य इस समय सोशल मीडिया पर इतना ट्रेंड इसलिए कर रहे हैं क्योंकि उन्होंने इजाज खान को काफी खरी खरी सुनाई थी। उन्होंने इजाज पर सिंपैथी लेने का भी आरोप लगा दिया है। राहुल लगातार कहते सुनाई दे रहे हैं कि वो अब इजाज को एक्सपोज कर देंगे। सिंगर का यही स्टाइल फैंस को रास आ गया है और वो सोशल मीडिया पर उन्हें ट्रेंड करवा रहे हैं। बिग बॉस से जुड़ी ऐसी ही और भी कई खबरों को सबसे पहले पाने के लिए बने रहें हमारे चैनल के साथ।